बहुत मज़े में, बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मैं एक्चुअली वो पवन जी जो है वो मेरे फर्स्ट शो भाभी से मैं उनको जानती हूँ. और काम में हमेशा कुछ नहीं हो पाता. वो मेरे लिए सरप्राइज़ पार्टी काइंड ऑफ था. मैं मुझे ऐसे ही बुला लिया था, लेकिन मुझे पता है उनका नेचर, वो बहुत सरप्राइज़ देते रहते हैं रश्मि जी को और सबको. तो मैंने कपड़े पहन लिए थे, लेकिन आप देखोगे मैं ऐसे ही थी, भागी थी, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा था. तो वहाँ पर पार्टी हो रही थी और ऑब्वियसली इतना बड़ा स्ट्रेस था मेरे लिए, और घर की तरह था वो चीज़. मुझे नहीं पता था इतनी सारी चीज़ें वहाँ मीडिया होगी, जो भी होगी. तो मैं बस, बहुत मज़ा आया मुझे, वो बेस्ट टाइम था. और बहुत कम, इसीलिए मैं एक्चुअली नहीं जाती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए एक्चुअली स्ट्रेस बस्टर था. कहीं ना कहीं ये देखा गया है कि आपके जितने भी बाकी एक्टर्स थे उनके लिए, उनका नज़रिया बदल गया है आपके लिए. जो पहले नेगेटिव बात करते थे, आप पॉजिटिव होते जा रहे हैं. आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्या होता है, आप सुन के किसी के बारे में अज्यूम नहीं कर सकते कि ये ऐसा है, ये वैसा है. तो एक्चुअली मुझे मौका मिला बिग बॉस ने कि शिल्पा क्या है बताने का. और बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने खुल के मेरा साथ दिया कि शिल्पा कैसी है और क्या है. काफ़ी लोगों ने बातें नहीं की है, शायद वो उनकी कुछ लिमिटेशन है, कुछ चैनल की बातें होती है, कुछ प्रोड्यूसर्स की होती है, इसीलिए वो नहीं. लेकिन सारे आर्टिस्ट जानते हैं कि मैं कैसी हूँ. और मैं हमेशा हर आर्टिस्ट की, टीवी आर्टिस्ट की, तो मैं एक्चुअली टीवी आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करती हूँ कि वो बहुत हार्डवर्क करते हैं, बहुत हार्डवर्क. लेकिन उनको रिटर्न में सबको उतना मिलता नहीं है जो उनको मिलना चाहिए. वही हम एक कैरेक्टर बन के रह जाते हैं. हमारे नाम भी नहीं आते कि किसने कौन सा कैरेक्टर किया था. तो वो एक सैड बात है, लेकिन मैं सबके लिए बहुत खुश हूँ अगर मुझे प्यार दिया है सबने. सी, देखिए, विकास गुप्ता एक्चुअली मास्टरमाइंड है और वो एक्चुअली बहुत क्रिएटिव लेवल पे बहुत टैलेंटेड है. और डेफिनेटली मैंने उनको प्रॉमिस किया था और मैं उनके साथ वो एक वेब सीरीज़ जो है वो करूँगी. और वो भी मुझे जो मेरे लायक है वही काम मुझे देंगे. तो मैं डेफिनेटली उनके साथ काम करना पसंद करूँगी, दिल से काम करना पसंद करूँगी. सी, सच है बात, विनाक्षा को मैंने अंदर बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी बातों को. तो जैसे ही वो बाहर आ गई, उसको समझ में आ गया. इसीलिए मैं सबको यही समझती हूँ, बताती हूँ कि मुझे लोग नहीं समझते, और जब तक समझते हैं टाइम जा चुका होता है. तो वो बात उसको समझी. और हाँ, हम मैसेजेस पे बात कर रहे हैं, हम लोग शायद मिल भी जाएंगे. ऑब्वियसली मैं पार्टी रखूँगी, विनिंग पार्टी रखनी है, तो उसमें बुलाऊँगी तो सबको. शायद हो सकता है कुछ लोगों को ना भी बुलाओ, तो बिकॉज मैं जैसी हूँ वैसी हूँ. मैं बेमतलब अच्छा बनने की कोशिश नहीं करती हूँ. तो विनाक्षा को पता चल गया ऑब्वियसली बाहर आकर के क्या ट्रूथ है, यू नो, क्या हुआ था. तो शी रियलाइज दैट, एंड वो दिल से वो बोली कि मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ. बाप रे, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए. सी, मुझे नहीं लगता जिस देश में हम रहते हैं वहाँ पे मराठी या कास्ट को लेकर हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, मराठी ऐसा कुछ होता है. हम सलमान खान के भी तो बहुत सारे फ़ैन्स हैं. आई थिंक उन्हीं के फ़ैन्स मुझे मिले हैं, जिस तरीके से उन्होंने इतनी इज्जत दी है मुझे. तो बाकी मुझे नहीं लगता कि मराठी होने का, मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं मराठी हूँ. क्योंकि मराठी लोग कैसे होते है दिखा, इसलिए लोग बोलते हैं मराठी माणसाची सटकली. क्योंकि जहाँ हर्ट होता है वहाँ उस इंसान को गुस्सा आता है. ये एक मराठी लोगों का नेचर होता है, ऐसा नहीं है. और वो अपने में उनके अंदर एक बहुत टैलेंट होता है, इसीलिए वो एग्रेसिवली उस चीज़ को रिएक्ट करते हैं. तो बस यही बात है, मुझे नहीं लगता कि मराठी हूँ इसलिए मराठी लोगों का ज़्यादा वोट मिला है, मुझे ऐसा नहीं लगता. सी, घर के अंदर तो डेफिनेटली अभी मैं कभी ना जाऊँ. और जैसे मैंने अपनी एक राय रखी थी कि मुझे ज़रूर खुशी होगी मैं शो होस्ट करूँ, और लेकिन सलमान खान तो नहीं बन सकती मैं डेफिनेटली. और मराठी में अभी भी और भी बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं जो इस शो को होस्ट करना डिज़र्व करते हैं. लेकिन मैंने अपनी एक राय रखी थी कि मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर करूँगी.
आई एम सो ग्लैड कि उनके मम्मी ने मुझे सपोर्ट किया, और जिस तरीके से मुझे बाहर आकर पता चला, उन्होंने ये अंदर भी कुछ चीज़ों से पता चलता था कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और मैं उनका शुक्रिया अदा पता नहीं कैसे करूँगी। बहुत बहुत बड़ी बात है मेरे लिए उन लोगों ने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, सलमान जी ने जिस तरीके से मुझे एक्चुअली एक तौर पर मेरी हेल्प की है, उन्होंने शिल्पा क्या है बताने में मेरी हेल्प की है लोगों को कि मैं एग्जैक्टली क्या हूँ। मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, और मैं अपने सारे व्यूअर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इतना सारा प्यार दिया, और उनकी वजह से मुझे आज बिल्कुल एक टाइम भी फुर्सत नहीं मिल रही है, इतनी मैं बिज़ी हूँ। थैंक यू सो मच।